कि गूगल की एग्जिस्टेंस के लिए आपका होना बहुत जरूरी है। वीडियो कंटेंट की डिमांड बढ़ रही है, सर्च इंजन AI आंसर दे रहा है, ब्लॉगिंग खतरे में। अरे भाई, ये साइट $25,000 पर मंथ बना रही है, ये साइट $20,000 पर मंथ बना रही है। अब अगर आप डर के पीछे हट जाओगे ना, एक फायदा तो हमारा कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। मुझे पता है गूगल ने ऑफिशियली बार्ड को सर्च में बैट कर दिया है, तो क्या आप 2023 में भी स्टिल ब्लॉगिंग के पीछे भागना चाहिए आपको कि नहीं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। मेरे पास एक मस्त प्लान है। अब ब्लॉगिंग में कामयाब होने के लिए या तो आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए या फिर मोटी रकम होनी चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब जब आपके पास माल है यानी कि पैसे हैं, तो कैसे कामयाब होना है उनको जाया किए बगैर, और अगर आपके पास टाइम है, स्किल है बट पैसा नहीं है, तो कैसे कामयाब होना है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए देखते हैं। भाई मेरे, अगर आपके पास पैसा है तो ऐसा है कि लोग चोर रस्ते से आपका पैसा लेने के चक्कर में होंगे, तो अगर पता कुछ नहीं है SEO या ब्लॉगिंग के बारे में, तो चाइना बॉर्डर पे चले जाएं। वहां से जाके आपने देखना है कि ब्लॉगिंग कैसे हो रही है पाकिस्तान में। खासकर आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि निच क्या है, कैसे सिलेक्ट करनी है, राइटर से काम कैसे करवाना है, साइट को मेंटेन कैसे रखना है। जैसे अब मेरे रिसेंट कोर्स में ये सब कुछ, मतलब अपने 7 साल का जो तजर्बा है, वो प्लेट में रख के आपको दे रहा हूँ just for $60। अब वो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप उस लेवल पे काम करें कि आपके पास अगर पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कहीं उस पैसे को जाया ना कर दें। अब या तो $60 लगा के अपना 5-10 लाख बचा लें, या $60 बचा के 5-10 लाख जाया कर लें, इट्स अप टू यू। मतलब 1-2 साल रगड़ा खाएं, समझें काम कैसे होता है, देन पैसा लगाएं एंड देन पैसा कमाएं। दूसरी तरफ आ जाते हैं वो लोग जिनके पास पैसा तो नहीं है लेकिन टाइम और स्किल है राइटिंग की। अब ब्लॉगिंग में 80% काम राइटिंग का है, जैसे दुनिया में 70% सिर्फ पानी है, तो राइटर होने के बावजूद भी आपको ब्लॉगिंग में झंडे गाड़ने के लिए सही और गलत का पता होना बहुत जरूरी है। अब अगर राइटिंग आती है तो साथ में ये पता होना चाहिए कि भाई अच्छी और बुरी निच क्या होती है, कीवर्ड सिलेक्शन, टॉपिकल मैपिंग, साइट स्ट्रक्चर, EAT और बहुत सारी चीजें हैं जो एक राइटर को पता होंगी, तो वो मेक श्योर कर सकता है कि उसकी बनाई हुई साइट पर जो कॉन्टेंट है वो वाकई रैंक हो सकता है और पैसे कमा के दे सकता है। अब या तो आप ये सारी चीजें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड वेस्ट करके सीखें, 4-5 साइट्स बनाएं, फेलियर का सामना करें, देन आप लर्न करेंगे कि हाँ यार ये ठीक था, ये गलत था, मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, या फिर just for $60 मैं ये सारा तजर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, और आपको विद इन मंथ उस लेवल पे ले जाता हूँ जिस लेवल पे जाके आपको ये पता होगा कि सही क्या है गलत क्या, एंड देन आप वहां से जब स्टार्ट करोगे तो फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट 0 के बराबर होंगे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, गूगल हमारे पैदा होने से पहले से ही AI यूज कर रहा है, आई एम जस्ट जोकिंग, लेकिन वो AI जनरेटेड आंसर्स लोगों को दे नहीं सकते, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि जो फील्ड्स के एक्सपर्ट लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि जो विजिटर्स गूगल पे आते हैं वो उनके साथ कनेक्ट हो सके, जो सिर्फ लोग कर सकते हैं, रोबोट्स नहीं। इसलिए ब्लॉगिंग अगर आप करोगे तो गूगल पर आने वाले लोगों को उनके काम की बात मिलेगी, इससे गूगल पैसा कमाएगा, इससे आप पैसा कमाओगे, और इसी से विजिटर की लाइफ में वैल्यू एड होगी, विन विन। तो ये पूरा साइकिल आपके काम करने से ही पॉसिबल होगा, अगर आप बीच में से हट जाओगे ये साइकिल पूरा नहीं हो सकता। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि गूगल की एग्जिस्टेंस के लिए आपका होना बहुत जरूरी है और आपका काम करना कितना जरूरी है, इसीलिए इधर उधर की बात पर ध्यान नहीं देना आपने। सो दिल लगा के इस फील्ड में काम करें एंड अपनी लाइफ चेंज करें, और अगर ये सीखना है कि AI कंटेंट को यूज करके पैसा कैसे कमाना है, तो इस वीडियो को देखें। सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यू।